यूसुफ गानी ने बोला, अरे आपकी टीम तो हराएगी पाकिस्तान को, वो तो बच्चा है, आप तो बाप हो। हमने आई थिंक पाकिस्तान की टीम पोटेंशियल चैंपियन। नहीं नहीं, आपसे सहमत नहीं हूँ। एक सेकंड, मैच के बाद कप्तान क्या करता, घुसुंड मार देता बाबर आजम को और रिजवान को, उसे दुनिया को भाषण देते हैं। आज हम बैड लूजर हैं, हम एक नहीं नहीं वो आप तो इंडिया के लोग हैं, हम हैं, तो हम हार क्यों नहीं बर्दाश्त करते। पहले मैं कहूं कि बाप बाप, बेटा बेटा, अगले दिन मैं कह दूं पटाखे नहीं चलाने, मेरा हो गया साहब। पाकिस्तान को चिढ़ाते हैं कि टीवी तोड़ते हो, कल को वो आपको कहेंगे आप पटाखे फोड़ते हो, तो ये जो मौका मौका एक ऐड भी आती है जो ब्रॉडकास्टर, जब शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल पकड़ा है ना, मेरा पहला बॉल यहाँ पर बैठ के मुझे लग रहा था कि आज ये कयामत की रात इस खिलाड़ी की है। हम इस जब आप इस मुल्क के इतने बड़े दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या क्रिकेट को आप फुटबॉल बना लेंगे? मुझे बताइए ना, मैं होस्ट हूँ और मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान से, और मैं दे दूं उनको पॉइंट। अब आप हार के आए, पॉइंट दे के आए हो, अब बिना खेले पॉइंट दे देते, आप करेंगे अंजना? मैं एक बात आपको जानना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बताइए, हम करूंगा, हम लोग तो नहीं करते, मैं तो करूंगा, मैं कभी ये नहीं करूंगा कि आप पाकिस्तान से मत खेलो, क्योंकि मुझे पता है ना सच क्या है, मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ जलेबी नहीं बनाऊंगा। प्लेयर्स को क्या, जो मीडिया में जलेबी बनती है मैं नहीं बनाऊंगा। उससे कोई एक या दो दिन पहले मुझे याद है इंडिया सेमीफाइनल जीता था, मैं में थे और एक अफगानी थे, वो आ गए और उस अफगानी ने बोला, अरे आपकी टीम तो हराएगी पाकिस्तान को, वो तो बच्चा है, आप तो बाप हो। हमने भी हा हा ही हू बहुत कुछ किया और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम हार गए। मुझे याद है ओवल के मैदान में मैं भी मुँह छुपाते छुपाते आया था। तो हम लोग कभी कभी ये एक्चुअली ना कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं कि मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा मैच जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर चेहरे पर हार का डर ना हो, हमेशा था। बड़ी बड़ी टीमें उनकी, वो ऐसे लगता था चेहरे यार हार गए तो क्या होगा, पहली बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान के चेहरों पर नहीं था हार का, वो आपके प्लेयरों के डर पर था हार, अगर हार गए तो क्या होगा। एंड आई थिंक मैच से पहले ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान को इतना खेलते नहीं, हमें पता नहीं, सहमत नहीं। आई थिंक पाकिस्तान की टीम पोटेंशियल चैंपियन। नहीं नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। एक सेकंड, जो स्पोर्ट्स खेलेगा वो जीतेगा भी हारेगा भी, क्या हम हार को पचा पा रहे हैं? कल विराट कोहली की एक तस्वीर आई, भाई मुझे हार का गम है, आपको गम है, आपको गम है, बहुत 130 करोड़ लोगों को गम है, सबसे ज्यादा गम किसको होगा, वो 11 प्लेयरों को, वो कप्तान को, तो जिस कप्तान ने जीतना था तो मैच के बाद, कप्तान ने मैच के बाद कप्तान क्या करता, घुसुंड मार देता बाबर आजम को और रिजवान को, उसने जब भी डाल दी, उसने कहा वेल प्लेड यार आप अच्छा।